केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ प्रिया। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। पाकुड़ नगर के जटाधारी सेवा समिति द्वारा शिवलिंग स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता पीयूष घोष और राजा भगत के द्वारा की गई। 3 दिनों तक मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कीर्तन, रुद्राभिषेक, हवन और नगर भ्रमण भी किया जाएगा। राजा पारा स्थित जटाधारी नवनिर्मित शिव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शनिवार को कलश जल शोभा यात्रा निकाली गई। कलश जल शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से चलकर बंदा पोखर पहुंचा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में पवित्र जल भरा गया। वापसी में कलश जल यात्रा मंदिर प्रांगण पहुंचा, जहां मंडप में कलश स्थापित कर पूजन अर्चना प्रारंभ हुआ। शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को किया जाएगा। शोभा यात्रा में 101 महिलाएं माथे पर कलश लेकर भगवान भोले शंकर व अन्य देवी देवताओं का जयकारा लगाते व भजन गाते हुए चल रही थी। महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में पाकुड़ शहर के लोग थे शोभा यात्रा में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित अध्यक्ष पीयूष घोष, राजा भगत, जगदीश भगत, छोटन दफदार, शीटू भाई, माली गोपाल सरदार, भोला सरदार, छोटू मंडल, तमाल पांडे और जटाधारी सेवा समिति मंदिर के बहुत सारे कार्यकर्ता गण मौजूद थे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।